हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्वे के एक टॉपिक कर्व पर। तो कर्व से रिलेटेड हम देखें तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में, तो उसमें हमने एक कर्व पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कर्व। तो आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इन पार्ट्स के नामों के आधार पर इनके कुछ फार्मूले हमें क्वेश्चंस कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। तो उसको देखते हुए देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये है हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व का डायग्राम। इसमें मैंने सारे पार्ट्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आप देखिए इसको मैंने बनाया कैसे, इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक कोई स्ट्रेट रोड ये है, ये कोई स्ट्रेट रोड है और दूसरा स्ट्रेट रोड कोई ये है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रेट रोड को, सीधी सड़कों को हमें बाई हॉरिजॉन्टल कर्व हमें जोड़ना है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व से हम इसे जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रेडियस के आधार पर या डिग्री ऑफ कर्वेचर के आधार पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाई हॉरिजॉन्टल कर्व हम इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बना है, ये हमारा डायग्राम किस चीज़ का हो गया, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व का डायग्राम। तो कर्व की जो लेंथ है वो कहाँ पर है, यानी यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कर्व हमारा एंड हो गया। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व है और इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व का वो पॉइंट जहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है, यानी आपको इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम का इससे कंपेरिजन करना है साथ के साथ। तो जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने T1 से डिनोट किया है। आगे बात करें, जहाँ कर्व हमारा फिनिश हो जाता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या ये आपको दिखाई दे रहा PT का मतलब है यहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दूसरा है PC का मतलब पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है, यानी कर्व का वह पॉइंट जहां से कर्व स्टार्ट किया है उसे पॉइंट ऑफ कर्वेचर। जहां कर्व फिनिश हो गया है, जहां कर्व खत्म हो गया है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको मैंने T2 से डिनोट किया है। अब हमने क्या किया, तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझ में आ गया हो क्या है। आगे ही बात करें अगर हम, तो इसको हम यहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींचें, यानी इस पॉइंट से क्या करें हम, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारी ये कोई सेंटर ऑफ, ये हमारा कर्व का सेंटर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारी T1 तक रेडियस क्या है, r। तो O से लेके T1 तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी O से लेके T1 तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा हमारा O से लेकर T2 तक भी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जितना भी हमारा एक कर्व बना हुआ है उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी रेडियस है R। तो अब इस R रेडियस के आधार पर हमने कर्व बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर कर्व पर इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी टेंजेंट लाइन किसी सर्कुलर पॉइंट पर निकाली जाती है, सर्कुलर कर्वेचर पर निकाली जाती है, तो हमेशा उसके सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, इस लाइन को मैंने बोला रियल टेंजेंट, यानी पश्च स्पर्शी रेखा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पश्च स्पर्शी रेखा, रियल टेंजेंट है। दूसरा मैंने क्या किया है, जो हमारा अगला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, इस पॉइंट से भी मैंने क्या किया, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची और यहां स्पर्श रेखा को जब पीछे मिलाएंगे तो हमें एक पॉइंट और मिलेगा, यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम, जो हमने आगे वाले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जो हमने टेंजेंट लाइन खींची, एक स्पर्शी रेखा खींची है, उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट, यानी अग्र स्पर्शी रेखा। तो ये हो गई पश्च स्पर्शी रेखा, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और इसे हम कहेंगे अग्र स्पर्शी रेखा यानी फॉरवर्ड टेंजेंट लाइन। अब यहां से मैं ये समझना है कि फॉरवर्ड टेंजेंट लाइन और जो रियल टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको लिखते जाना है हिंदी में, अभी अगर आप हिंदी मीडियम से के स्टूडेंट हैं तो आप लिखते जाइए कि इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, आई, जिसे मैंने किससे डिनोट किया है, यहां पर इस पॉइंट से आई। अब रियल टेंजेंट फॉरवर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, यानी रियल टेंजेंट हमारी कौन सी है, रियल टेंजेंट से जितना हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, यानी विचलन कोण। तो ये क्या चीज़ है, विचलन कोण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल।
तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, विचलन कोण। अब आगे ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदन बिंदु। ध्यान ये रखेंगे इंटरसेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो एंगल बचा हुआ है यानी कि रियल टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच का एंगल जितना एक दूसरे से बनाती हैं उसे हम कहते हैं अल्फा, और इस अल्फा को हमने बोल दिया है इंटरसेक्शन एंगल। मैंने यहां पर लिख दिया है अल्फा, यहां पर क्या है इंटरसेक्शन एंगल। तो ये इंटरसेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल यानी इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदन कोण, इसे कहते हैं विचलन कोण। आगे हमेशा याद रखना है कि ये एक सीधी लाइन है। क्या याद रहे, ये सीधी लाइन है, और इस सीधी लाइन में से अगर अल्फा एंगल माइनस हो जाएगा तो हम कहेंगे हमेशा क्या होगा 180 माइनस फाई, यानी प्रतिच्छेदन कोण अगर आपसे निकल, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि डिफ्लेक्शन एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है तो हमारा इंटरसेक्शन एंगल कितना होगा, तो आप 180 में से माइनस करके आप बता देंगे इंटरसेक्शन एंगल हमारा कितना आएगा। तो ये हमारा कौन कौन से पॉइंट हो गए, रियल टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, डिफ्लेक्शन एंगल, ये हमारा इंटरसेक्शन एंगल, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व, ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इतने सारे हमारे पार्ट हो गए यहां तक। आगे हमारा क्या है कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जो मिलाने वाली सीधी लाइन है यहां से लेके यहां तक की, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। इसे क्या कहते हैं हम, लॉन्ग कॉर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ जीवा। तो दीर्घ जीवा कौन सी है, पॉइंट ऑफ यानी जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है और जहां पर कर्व फिनिश हुआ है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, यानी पॉइंट द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मिनिमम लेंथ हमारी क्या कहलाती है, वो लॉन्ग कॉर्ड कहलाती है, यानी दीर्घ जीवा कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की जो सीधी रेखा है वो हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्ग कॉर्ड, दीर्घ जीवा कहलाएगी। तो अब हमारी बात आती है आगे, अब कुछ इसमें यहां से मैंने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ सेंटर से मैंने एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच दी। तब आप देखेंगे एक चीज़ कि जो हमारी सीधी लाइन है वो क्या करेगी, लॉन्ग कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर एक ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग कॉर्ड में T1K जितना होगा उतना ही हमारा T2K होगा, यानी कि लॉन्ग कॉर्ड हमारी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है, दो पार्ट में, और दोनों ही पार्ट कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। दूसरा हमारा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इतने पार्ट को क्या कहते हैं, अब यही लॉन्ग कॉर्ड यहाँ पर हमारी K पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है, आगे हमारा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्व कौन सा है, M है, यानी ये हमारा क्या है, सबसे ऊंचा पॉइंट है किसी कर्व पर, इससे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो M से लेके K तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं मिड ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं इसे, मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, ये हमारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट कहते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारा यहाँ से M से लेके मिड ऑर्डिनेट के साथ साथ ध्यान ये भी रखना है, इसको वर्स्ट साइन भी कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि मिड ऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन, तो हम आंसर लगाएंगे वर्स्ट साइन, के वर्स्ट साइन भी इसे हम कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व के हाईएस्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स डिस्टेंस, शीर्ष दूरी कहते हैं इसको हम, इसे शायद हिंदी में मध्य कोटि कहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मध्य कोटि, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है हमारी, ये एपेक्स डिस्टेंस यानी शीर्ष दूरी से हम कहते हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी हमारे कर्व के थे उस पर हमने बात कर ली है। तो आगे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनके फार्मूले पर, कंपटीशन में इनके फार्मूले पूछे जाते हैं कि इनके फार्मूले, हम रियर टेंजेंट का फार्मूला क्या है, फॉरवर्ड टेंजेंट का फार्मूला क्या है, मिड ऑर्डिनेट का, एपेक्स डिस्टेंस का, इसके अलग अलग फार्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियर टेंजेंट के बारे में, रियर टेंजेंट का फार्मूला क्या होगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये टॉपिक, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। बाय डेरिवेशन आपको रटना नहीं है, एक बार समझ भी लेना है कि किस तरीके से ये पॉइंट आएंगे। तो अब आप देखें जरा, यहां पर यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको पता है, आर है, जिस चीज को आपको निकालना है। इसमें आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक कहें, यहां पर आप ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहते, तो एक ही चीज आप याद रखेंगे, एक आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, इसमें हमेशा एक त्रिभुज बनाना है, और उस त्रिभुज में जिस चीज को आपको फाइंड करना है, जैसे अब उसकी चीज मुझे यहां पर निकालना है रियर टेंजेंट या फॉरवर्ड टेंजेंट, रियर टेंजेंट यानी रियर और फॉरवर्ड टेंजेंट का एक ही फार्मूला होगा, यानी कि लेंथ भी इक्वल होंगी। रियर और फॉरवर्ड टेंजेंट की अगर हम बात करें तब हमें किस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसे कहेंगे अग्रया स्पर्श स्पर्शी रेखा, इसकी लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, T1 से लेकर T
T1 से लेकर I तक हमें फाइंड करना है, और ये किसके बराबर होगी, T2 से लेके I तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके ये दूरी और यहाँ से लेके ये दूरी हमारी कैसी होगी, सर्कुलर कर्व में बराबर होगी हमेशा। अच्छा अब देखिए, मैंने क्या बताया कि आप क्या करेंगे, हमें निकालना कि फाइंड क्या करना है, रियल टेंजेंट। एक तो आपको इसको हमेशा साथ में रखोगे क्योंकि तो आपको फाइंड करनी है। दूसरा आप क्या करोगे, कोशिश आपको ऐसा करना है कि आपको ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है इसके अंदर आपको आसान बनाने के लिए कि ये रेडियस वाला टर्म हमेशा आना ही चाहिए उसके अंदर। तो देखिए, आप जरा यहाँ पर एक ट्रायंगल देखते हैं, इसमें OT1I, आप एक ट्रायंगल देखें, OT1I जो ट्रायंगल है उसको देखें जरा। OT1I में अगर आप देखें तो ये एंगल हमारा कितना है, 5/2। अच्छा मैं एक चीज़ और भूल गया हूँ, देखिए जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमेशा, आगे मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमेशा बराबर होता है किसके, सेंटर पर जो हमारा एंगल बनता है उसके। तो सेंटर पर हमारा एंगल कितना है, फाई, तो डिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा हमारा, फाई होगा। अब इस लाइन ने क्या किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 5/2 और ये हो गया 5/2। यहां से आप देखें किस किस में रिलेशन निकालना है हमें, एक इसमें और इसमें। तो अगर ये वाला एंगल लें तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जिस कोण के सामने वाला हम लेते हैं भुजा, तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस कोण के सामने वाली कौन सी, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, OT1, ये वाला पूरा ट्रायंगल हमने लिया है, तो इस ट्रायंगल के ये वाली सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, हम जानते हैं 10 5/2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी T1I अपॉन लिख सकता हूँ यहाँ पर OT1। बहुत आसान था, तो T1 तो आ गया, OT1 पहले से पता है हमें, OT1 बराबर क्या है यहाँ पर, OT1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1I बराबर है T2I के, ये दोनों क्या है, रियर और फॉरवर्ड टेंजेंट। इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, OT1 इंटू 10 5/2, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्या दिया, T1I बराबर T2I इक्वल टू R इंटू 10 5/2। तो याद रखना ये है कि इस डेरिवेशन में बहुत छोटा सा ये याद रखना है कि हमारी जो रियर टेंजेंट का मान आएगा हमेशा कितना आएगा, R 10 5/2। याद ये रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व में रियर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच की हमारी डिस्टेंस क्या होती है, R 10 5/2 होती है। तो ये हमने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि R 10 5/2 और फॉरवर्ड टेंजेंट हमारी ये डिस्टेंस होती है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्ग कॉर्ड के बारे में और फिर सभी पॉइंट्स के बारे में इसमें। तो आप लगातार लेक्चर्स देखिए इसके, तो पूरा लेक्चर आप देख पाएंगे, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।